क्या आपको भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर डू डज डिड के प्रयोग में परेशानी आती है या फिर कोई कंफ्यूजन होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, मतलब डेफिनेशन। जो वर्ब वाक्य में मेन वर्ब के साथ मिलकर टेंस, क्वेश्चन, निगेटिव या पैसिव वाइज बनाने में सहायक होता है उसे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब की सहायता करना। अब हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? हेल्पिंग वर्ब बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, यहां देख सकते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। यह है टू बी। टू बी वर्ब फॉर्म में आते हैं एम इज आर वाज वर्ब, इसको बोलते हैं बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर आता है डू फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, इसके अंतर्गत आते हैं डू, डज, डिड। इसके बाद आता है हैव फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसके अंतर्गत आता है हैज, हैव, हैड। अब हम बारी बारी से इनका प्रयोग देखेंगे। एक बात यहां पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो यहां पर जो हैव है वह मेन वर्ब है। लेकिन हम अभी जो अध्ययन करेंगे वह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में, कि इन सभी शब्दों का प्रयोग, इन सभी वर्ब्स का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे कर सकते हैं। तो जो मेन वर्ब वाला जो पॉइंट्स है उस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा, और इस वीडियो में सिर्फ हम चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए टेंस वाइज देखते हैं हम यहां पर। टेंस, प्रेजेंट टेंस में जो टू बी वर्ब फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस। इसके बाद डू वर्ब फॉर्म कौन से होते हैं प्रेजेंट टेंस में, डू और डज। हैव वर्ब फॉर्म कौन कौन से होते हैं, हैज और हैव। इसके बाद पास्ट टेंस में क्या होगा इसका रूप, बी वर्ब फॉर्म क्या होगा पास्ट टेंस में, वाज और वर। और डू वर्ब फॉर्म कौन सा होगा पास्ट टेंस में, डिड, और हैव का हो जाता है हैड। तो प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव। पास्ट टेंस में वाज, वर, डिड, हैड। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा प्रकार होता है उसे मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसमें आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और टू। इनका हम सेपरेट अध्ययन करेंगे, अलग से अध्ययन करेंगे, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मार्जिनल है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरीज, इसमें आते हैं नीड, यूज टू और डेयर, इनका भी हम अलग से अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे यूजेस ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिसके अंतर्गत आते हैं टू बी, एम इज आर वाज वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम इज आर वाज वर, इनका हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं मैं सब आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके दो तीन वीडियोस आएंगे। ये पहला वीडियो है, इसमें हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो देखिए पहला रूल है एम
इज आर वाज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी के द्वारा कंटिन्यूअस टेंस बनाए जाते हैं। कंटिन्यूअस टेंस आपको पता है, मेरे पिछले तीन प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, टेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही इज मेकिंग अ काइट, वह पतंग बना रहा है। दूसरा है, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गा रहे हो। यह हो गया इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर यहाँ आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो ये एम हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसके बाद हम देखते हैं, राहुल वाज गोइंग टू मार्केट, तो ये जो वाज है ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, राहुल बाजार जा रहा था। इसके बाद पांचवा है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये वर हेल्पिंग वर्ब आ गया, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। यहां पर मैंने कुछ मेन वर्ब का भी यहां पर लिस्ट बना दिया है। मेन वर्ब पांच प्रकार के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 को हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके एग्जांपल हैं जैसे गो प्ले फ्लाई। V2 ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब्स हैं। मेन वर्ब की सहायता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। V2 मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम पास्ट टेंस भी कहते हैं। इसके एग्जांपल है वेंट प्लेड फ्लू। इसके बाद V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आ गया गॉन प्लेड फ्लोन। इन्हीं वर्ब्स को मैंने लिया हुआ है तीनों रूप में। इसके बाद है V4 V1 प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे गोइंग प्लेइंग फ्लाइंग जो कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद V5 V1 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या IES, जैसे कि गोज प्लेस फ्लाइस, ये सब। इनका प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स, जैसे कि ही शी इट एनी नेम। यदि ये आते हैं तो इनके साथ हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या IES। ये मेरे आपने टेंस के मेरे वीडियो देखेंगे आप प्लेलिस्ट में जाकर, तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है। ये दोनों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राहुल वाज गोइंग टू मार्केट, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर वर। अब जो मेन हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, इसका मैंने यहाँ पर संक्षेप में विवरण दिया हुआ है कि किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं। जैसे इज है, ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, इट, एनी नेम, राहुल, इनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे बॉय गर्ल, इनके साथ हम यूज करते हैं इज का प्रेजेंट टेंस में। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है और आर का प्रयोग होता है वी यू दे वी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि बॉयज गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के साथ, और वी यू दे वी इनके साथ प्रयोग होता है आर का। हैज का प्रयोग होता है ही शी इट एनी नेम, जैसे राहुल है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स जैसे कि बॉय गर्ल, इनके साथ हैज का प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग किसके साथ होता है, प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, आई वी यू दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं जैसे बॉयज गर्ल्स एक्सेट्रा। इसके बाद हम पास्ट टेंस में देखते हैं, वाज आई वाज ही शी इट और एनी नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इनके साथ प्रयोग होता है वाज का, जैसे बॉय गर्ल। इसके बाद वर WERE वर, इसका प्रयोग होता है वी यू दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, जैसे बॉयज गर्ल्स। और हैड का प्रयोग होता है सभी सब्जेक्ट के साथ, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब जो वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसे सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से प्रयोग करना होता है। इसको हम सिंटेक्स भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
या फिर इसको बोलते हैं सिंटेक्स। इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं, एम इज आर वाज वर का प्रयोग कहां पर करते हैं। इसके साथ यदि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसके द्वारा हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। उसके द्वारा क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज नोन टू मी, मैं उसे जानता हूं, ये पैसिव वॉइस में, ये है पैसिव वॉइस में, ये भी पैसिव वॉइस में, ये भी पैसिव वॉइस में। ही इज नोन टू मी, मैं उसे जानता हूं। दूसरा, अजय वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अजय को प्रेसिडेंट बनाया गया। थर्ड, वी वर इन्वाइटेड टू द गेट टूगेदर, हमें गेट टूगेदर में इन्वाइट किया गया था। इसके बाद है थर्ड रूल, एम इज आर वाज वर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को बोलते हैं इंफिनिटिव। यदि इन हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, उसके पहले टू लगा हुआ है, उसके द्वारा किसी योजना के विषय में बताया जाता है, इट मीन्स इट रिफर्स टू एनी प्लान, इट रिफर्स टू एनी प्लान। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ही इज टू लीव फॉर रायपुर टुमारो, वह कल रायपुर जाएगा, है ना, प्लान बनाया हुआ जाएगा। माई फ्रेंड्स आर टू अराइव दिस मॉर्निंग, मेरे मित्र आज सुबह आने वाले हैं। तो एक योजना है, वह कल रायपुर जाने वाले, ही इज टू लीव फॉर रायपुर टुमारो, वह कल रायपुर जाने वाला है। माई फ्रेंड्स आर टू अराइव दिस मॉर्निंग, आज मेरे मित्र आने वाले हैं। इसी प्रकार चौथा रूल है, एम इज आर वाज वर, इसके साथ यदि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को बोलते हैं इंफिनिटिव। तो इसके द्वारा क्या पता चलता है? कोई आदेश, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। इसके द्वारा तो हम प्लान बता सकते हैं, और इसके द्वारा हम क्या बता सकते हैं? ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, कोई ऑर्डर है, आदेश है, अनुदेश है, ये बताते हैं। जैसे कि यू आर टू स्टे हियर टिल आई रिटर्न, ये कोई किसी को आदेश दे रहा है कि यू आर टू स्टे हियर, जब तक मैं नहीं आ जाता तुम्हें यहां रुकना है, ये एक आदेश है। तो इसका वही अर्थ होता है जो मस्ट या हैज टू और हैव टू का होता है, मस्ट जैसा प्रयोग होता है इसका। मतलब इन हेल्पिंग वर्ब के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है, तो इसके द्वारा हम किसी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। पांचवा रूल है, इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके द्वारा यह बताया जाता है कि कोई कार्य निकट भविष्य में होना तय है, इट मीन वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग इन द नियर फ्यूचर। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इंफिनिटिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज अबाउट टू गो, राहुल जाने वाला है, इट मीन भविष्य में जाएगा। रिया इज अबाउट टू डांस, रिया डांस करने वाली है, नाचने वाली है, भविष्य में नाचेगी। इसके बाद आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, मतलब भविष्य में यह काम होगा, कोई काम भविष्य में तय है। इसके बाद छठवा है, वाज और वर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाज और वर के साथ अगर इंफिनिटिव लगा हुआ है तो उसके द्वारा यह बताया जाता है कि किसी कार्य का भूतकाल में होना तय था, किंतु वह क्रिया हुई या नहीं इसके विषय में वक्ता को कोई निश्चित जानकारी नहीं है। इट मीन्स समथिंग वॉज डिसाइडेड टू हैपन इन द पास्ट, बट द स्पीकर डजेंट हैव एनी आइडिया वेदर दैट एक्शन टुक प्लेस और नॉट, कि वह घटना हुई कि नहीं हुई। जैसे एग्जाम्पल, डी एम वॉज टू अराइव दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह डीएम आने वाले थे, लेकिन स्पीकर को यह पता नहीं है कि डीएम आए थे कि नहीं आए थे। इसके बाद द प्रेसिडेंट वॉज टू मेक अ स्टेटमेंट टूडे, जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, वे आज एक बयान जारी करने वाले थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने बयान जारी किया कि नहीं किया, मतलब ये डिसाइडेड था, भूतकाल में होना तय था। चिल्ड्रन वर टू प्ले अ मैच दैट डे, उस दिन बच्चे एक मैच खेलने वाले थे, बट द स्पीकर डजेंट हैव एनी आइडिया वेदर दे प्लेड द मैच और नॉट। ये हमने देख लिया इज एम आर वाज वर, पहला पार्ट हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हैव हैज एंड हैड एज हेल्पिंग वर्ब।
आपको बता दूं कि इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में चर्चा कर रहा हूं। पहला नियम है हैव एंड हैज का प्रयोग करके मेन वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। टेंस आपने पढ़ा हुआ है, तो मेन वर्ब के साथ जो हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब रखते हैं हैव एंड हैज के साथ तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। दूसरा अजय हैज संग अ सॉन्ग, अजय गाना गा चुका है। हैड का प्रयोग कहां करते हैं, हैज और हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखा जाता है। जैसे कि आई हैड डन माय होमवर्क बिफोर यू केम, मतलब तुम्हारे आने से पहले ही मैं अपना होमवर्क कर चुका था। दूसरा यू हैड गॉन बाय दैट टाइम, उस समय तक तुम जा चुके थे। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाकर हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। मेरा टेंस के 4 एपिसोड हैं, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, उसको प्लेलिस्ट में आकर आप जरूर देखें। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स आपके आएंगे और मैं पूरे डाउट्स को बहुत ही आराम से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तीसरा है हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब का फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी इसी से बनता है, जैसे कि आई शैल हैव कंप्लीटेड माय वर्क बाय 5 PM टुमारो, कल 5 बजे तक, कल 5 बजे शाम तक, शाम 5 बजे तक मैं अपना काम पूरा कर चुका रहूंगा। दूसरा अमित विल हैव गॉट मैरिड बाय द एंड ऑफ मे, मई की समाप्ति तक अमित शादी कर चुका रहेगा, कर चुका होगा, अमित की शादी हो जाएगी। नंबर 4 हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव मेन वर्ब का भी प्रयोग करके परफेक्ट टेंस बनता है। मैं बता चुका हूं हैव जो है ना ये मेन वर्ब भी है, हैव क्या है मेन वर्ब भी है, और इसके ये तो फर्स्ट फॉर्म है V1, V2 होता है हैड, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होता है हैड, और ING फॉर्म क्या होता है हैविंग। तो जब हम हैव को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो यह V1 होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है हैड, ठीक है। तो देखिए यहां पर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव, सेकंड फॉर्म हो गया इसका हैड, ये हैड, थर्ड फॉर्म ये हो गया ये, और 3 वर्ब फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में यदि हम हैव का प्रयोग करते हैं तो इससे 3 वर्ब फॉर्म होते हैं, मतलब हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल देखें, आई हैव हैड माय टी, मैं चाय पी चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैं चाय पी चुका हूं। दूसरा आई हैड हैड माय टी, ये जो हैड है ना, ये जो हैड है ये थर्ड फॉर्म है, ये हैव का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये पहला हेल्पिंग, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पहला जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है हैव का थर्ड फॉर्म है। तो ये ध्यान में रखें आप। ये जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, ये है हेल्पिंग वर्ब। पहला वाला हैड हेल्पिंग वर्ब है और जो दूसरा हैड है वह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आई हैड हैड माय टी, मैं चाय पी चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यह सेंटेंस सही है, यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ है ना आई हैड हैड माय लंच, तो दो बार हैड हैड आया करके आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। पहला हैड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा जो हैड है वह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हैव का थर्ड फॉर्म हैड है, और यहाँ हैव का मतलब है ड्रिंक या पीना। तीसरा है आई शैल हैव हैड माय टी, मैं चाय पी चुका रहूंगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ हैव मेन वर्ब है और इसका अर्थ है पीना, ये ध्यान में रखें। इसके बाद हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी 3, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब द्वारा यह भाव व्यक्त किया जाता है
कि काम स्वयं नहीं किया गया बल्कि किसी और से कराया गया। मतलब हैज और हैड के साथ कोई ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पता है, अब वहां पे मैंने डिस्क्राइब किया टेंस वाले एपिसोड में, आप जाकर देखिएगा। और इसके बाद यदि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है तो क्या हो जाता है कि यह काम आदमी स्वयं नहीं किया बल्कि किसी और से कोई काम करवाया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपना बाल कटवाया। आई हैड गॉट माई हेयर कट, इन दोनों का मतलब एक ही है। हैड हो चाहे हैड गॉट हो, ब्रिटिश इंग्लिश में हैड गॉट भी बोलते हैं, दोनों ही सेंटेंस सही है। यहाँ गॉट का कोई मीनिंग नहीं निकलता, यहाँ गॉट का कोई मीनिंग नहीं है गॉट का। अमित हैड हिज आईज टेस्टेड, अमित ने अपनी आंखों का जांच करवाया। हैड अथवा हैड गॉट का एक ही अर्थ होता है, यहाँ गॉट का कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब देखते हैं has have had plus two plus first form of the verb। मैं बता चुका हूँ two plus first form of the verb जो होता है उसको हम बोलते हैं infinitive। तो has have had के साथ यदि two आता है और उसके बाद first form of the verb आता है तो उसे obligation या बाध्यता का बोध होता है। बाध्यता मतलब कोई काम करने के लिए बाध्य है। have to का वही अर्थ होता है जो must का होता है। have to का मतलब होता है चाहिए, करना होगा, करना चाहिए, must का होता है। Have to का अर्थ मस्ट होता है। एग्जाम्पल, यू हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाई मंडे, मतलब मंडे तक तुम्हें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, करना ही है। यू हैव टू, यू आर कंपेल्ड टू कंप्लीट यूर प्रोजेक्ट बाई मंडे, बाध्यता है यहां पर, तुमको करना ही होगा। आनंद हैज टू राइट दिस आंसर, आनंद को यह उत्तर लिखना है, मतलब वह बाध्य है, बाध्यता बता रहा है। हैड का इफ के अर्थ में भी प्रयोग होता है, यदि, जैसे एग्जाम्पल, हैड आई नोन इट आई वुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड यू, यदि मैं उसके विषय में जानता होता तो तुम्हें सूचित किया होता, तुम्हें बताया होता, यदि मुझे वह पता होता तो मैं तुम्हें बताया होता। इसका मतलब क्या है, हैड आई का मतलब क्या, इफ आई हैड नोन इट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, मतलब अगर कोई सेंटेंस हैड से चालू होता है तो उसका मतलब क्या है, इफ आई हैड, हैड आई का मतलब क्या हो गया, इफ आई हैड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जामिनेशन में यह बहुत एग्जामिनेशन में यह प्राय आता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण, यदि कोई सेंटेंस हैड से चालू होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड आई नोन इट, तो इसका मतलब होता है इफ आई हैड नोन इट आई वुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड यू, यदि मुझे पता होता तो मैंने तुम्हें यह बताया होता। इसके बाद यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, यूजेस ऑफ डू डज डिड एज हेल्पिंग वर्ब। यह मैं बार बार हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। डू का मतलब होता है करना, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, तो यहां पर यह मेन वर्ब है। लेकिन यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं खाली हेल्पिंग वर्ब का, मेरे बहुत सारे एपिसोड्स अभी आएंगे और सारे डाउट्स को आपको क्लियर करूंगा, लेकिन यह डू डज डिड का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको जानना जरूरी है। पहला रूल है, डू डज डिड की सहायता से सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब का निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, देखिए, आई लाइक टी अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य, इसका निगेटिव क्या होगा, आई डू नॉट लाइक टी, निगेटिव बनाने के लिए हमने डू का प्रयोग किया, डू नॉट। इसी तरह अरविंद सेल्स फ्रूट, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अरविंद डज नॉट सेल फ्रूट, तो जो डज का प्रयोग होता है यह होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट में आपको बता चुका हूं पहले। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं
एक मिनट में जरा बता देता हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ही शी इट आर एनी नेम, तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ही सी इट आर एनी नेम, इनके साथ प्रयोग होता है डज या डज नॉट का। डज नॉट, डज नॉट को शॉर्ट में डजन भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डजंट। अभी इसमें पेन टेप में लिखने का मुझे ज्यादा अभ्यास नहीं है। ये डजंट, तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर उनके साथ लगता है ये जो रहता है डज लगता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी सबके साथ डू लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है या डज नॉट लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज या डज नॉट लगता है, बाकी सबके साथ डू या डू नॉट लगता है। थर्ड, वी कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट टूडे, अफर्मेटिव सेंटेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है? वी कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट टूडे, हमने आज अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो इसमें क्या हो गया? वी डिड नॉट कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट टूडे, हमने आज अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, डिड नॉट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब निगेटिव बनाना हो तब हमको डिड नॉट का प्रयोग करना होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाना हो तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। एक बात आप ध्यान में रखें, डू डज डिड को जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे नॉट हो तो भी चलेगा, डू डज डिड या फिर डू नॉट डज नॉट डिड नॉट, इनके बाद आने वाला जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये डिड नॉट के बाद क्या है, डिड नॉट के बाद ये जो कंप्लीट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो डिड नॉट कंप्लीटेड नहीं लिखना है आपको, डिड नॉट कंप्लीट। तो डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें। मतलब डिड और डिड नॉट के बाद जो वर्ब आएगा वह क्या होगा, हमेशा बी वन होगा। डिड और डिड नॉट के बाद जो वर्ब आता है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है। दूसरा है वो हमने निगेटिव सेंटेंस देखा, डू डज डिड की सहायता से। अब हम देखते हैं डू डज डिड की सहायता से सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य यदि बनाना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो हम प्रयोग करते हैं डू और डज का, और यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, देन यू हैव टू यूज डिड। देखिए एग्जाम्पल, यू लाइक क्रिकेट, तुम क्रिकेट पसंद करते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। इसका निगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव क्या हो गया, डू यू लाइक क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो। इसी प्रकार रजनी सिंग्स ब्यूटीफुली, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका होगा इंट्रोगेटिव, डज रजनी सिंग ब्यूटीफुली। ये देखिए यहां डज लगा है, डज, इसीलिए यहां हेल्पिंग वर्ब में एस ई एस ए आई एस नहीं लगा है। तो जहां पे भी ये हेल्पिंग वर्ब में एस ई एस या आई एस लगा होता है उसका आपको क्वेश्चन बनाना है, इंटरगेटिव बनाना है, तब डज लग जाता है। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे कि ही शी इट और एनी नेम, सिंगुलर जो नाउन्स या सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तब हम रखते हैं डज। डज रजनी सिंग ब्यूटीफुली, क्या रजनी बहुत अच्छा गाती है। इसके बाद थर्ड है वी कंप्लीटेड आर प्रोजेक्ट टूडे, हमने आज अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका हम प्रश्न पूछने तो कैसे पूछेंगे, डिड वी कंप्लीट आर प्रोजेक्ट टूडे, क्या हमने आज अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। यहां पर आप ध्यान दें क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। एक बात और पुनः रिपीट कर देता हूं, डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा वी वन अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहता है, ये हमेशा आप ध्यान में रखें। इसके बाद थर्ड रूल है,
अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को जोरदार बनाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए टू गिव एम्फेसिस डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है, और जोर देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए हम यूज करते हैं डू डज डिड का। जैसे एग्जाम्पल, यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। यू डू गो देयर, और जोर डाल रहा है, तुम वहां जरूर जाते हो। ही सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। ही डज सिंग वेल, वह बहुत ही अच्छा गाती है। मतलब और जोर दे रहे हैं बात पर, डज डज, यहां डज लग गया इसलिए यहां पर सिंग जो है इसमें एस नहीं लगा है। आई सा अनुराग, मैंने अनुराग को देखा। आई डिड सी अनुराग, मतलब जोर देकर अपनी बात पर और ज्यादा लोगों को भरोसा दिलाने के लिए, जोर देने के डिड का प्रयोग किया जा रहा है। आई डिड सी अनुराग, मैंने अनुराग को देखा। फोर्थ, डू डज डिड के प्रयोग से रिक्वेस्ट या इन्विटेशन को ज्यादा प्रभावी अथवा स्वीकार करने वाला बनाया जाता है। किसी का परसुएड करते हैं कि आपको और ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं आपको आना ही है हमारे घर, है ना। कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी काम के लिए, प्लीज यह मेरे लिए काम कर दीजिए, या कृपया मेरे घर जरूर आए, तो हम यहाँ पर लगाते हैं डू। एग्जाम्पल, कम विद अस बोल रहे हैं, मतलब सामान्य रूप से बोल रहे हैं हमारे साथ आओ, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं डू कम विद अस, हमारे साथ जरूर आओ, और जोर डाल रहे हैं जरूर आओ तुम हमारे साथ। इसके बाद हेल्प मी प्लीज, कृपया मेरी सहायता कीजिए, और यहाँ पर डू हेल्प मी प्लीज, मतलब और जोर दे रहा है, मतलब मेरी अनिवार्य रूप से मेरी सहायता करिए, जोर डाला जा रहा है। तो डू डज डिड की सहायता से हम अपने रिक्वेस्ट या इन्विटेशन को और जोरदार या प्रभावी बनाते हैं। इसके बाद है डू डज डिड का प्रयोग करके क्वेश्चन टैक्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन टैक्स एक अलग चैप्टर है, इस पर मैं अलग से डिस्कस करूंगा, और एग्जामिनेशन में अवश्य आता है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्वेश्चन टैक्स परीक्षाओं में आता है, और मैं सारे चैप्टर्स को डील करूंगा आपको। ग्रामर में जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी रीडिंग राइटिंग कंपोजिशन हैं, सारे चैप्टर्स में डील करूंगा। मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे, बहुत सारे वीडियोज हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए काम के हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन टैक्स कैसे बनाते हैं। यू टेक कॉफी, डोंट यू, इधर अफर्मेटिव इधर निगेटिव हो जाता है, डोंट यू। अजय रीड्स अ बुक, डजंट ही, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, अजय किताब पढ़ता है, अजय किताब पढ़ता है, नहीं पढ़ता है क्या, कंफर्म करते हैं। दे डिडंट गो, वे नहीं गए। डिड दे, गए थे क्या। ही लिव्ड हियर, वह यहां रहता था। डिडंट ही, नहीं रहता था क्या। तो अगर इधर पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव रहता है, और अगर इधर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो पांचवा है, शॉर्ट आंसर में मेन वर्ब की पुनरावृत्ति रिपीटेशन रोकने के लिए डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है। कई बार हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर बहुत ही शॉर्ट रहता है, तो पूरा सेंटेंस ना दोहराना पड़े, इसलिए हम डू डज और डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अभिजय लाइक्स क्रिकेट एंड अमित लाइक्स क्रिकेट टू, मतलब अभिजय क्रिकेट पसंद करता है और अमित भी क्रिकेट पसंद करता है। तो ये बार बार लाइक्स क्रिकेट टू, ये अगर हम लिखना नहीं चाहते तो क्या लिखेंगे, अभिजय लाइक्स क्रिकेट एंड सो डज अमित, अभिजय लाइक्स क्रिकेट एंड सो डज अमित। दूसरा, राहुल नेवर रीड्स अ नॉवेल, नाइदर डज हिज ब्रदर, मतलब राहुल कभी नावेल नहीं पढ़ता है, और ना तो उसका भाई भी नहीं पढ़ता है। ये देखिए छठवां नियम है, शॉर्ट आंसर के उत्तर में प्रश्नकर्ता से सहमति व्यक्त करने के लिए मेन वर्ब की जगह डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि कोई किसी से प्रश्न पूछा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किसी ने पूछा, और जो उत्तर देने वाला है उसे सहमत है, तो क्या बोलेगा, ये देखिए एग्जाम्पल, डू यू डांस एवरी डे, क्या तुम रोज डांस करते हो। आंसर दे रहा है यस आई डू, यस आई डू, इसका मतलब क्या हो गया, यस आई डांस एवरी डे। तो डू का मतलब यस, डू का मतलब हो गया डांस एवरी डे, तो ये डांस एवरी डे को रिपीट ना करना पड़े इसलिए उसने बोल दिया डू। इसी तरह डिड यू गो टू कॉलेज टूडे, क्या तुम आज कॉलेज गए थे, तो ये बोलता यस आई डिड, यस आई डिड, मतलब यस आई वेंट टू कॉलेज टूडे। तो देखिए खाली डीड के द्वारा इसने पूरा उत्तर दे दिया। ये तो हमने देख लिया सहमति है, एग्रीमेंट।
इसी तरह डिसएग्रीमेंट असहमति बताने के लिए भी ऐसी तरह प्रयोग करते हैं। शॉर्ट आंसर के उत्तर में प्रश्नकर्ता से असहमति या डिसएग्रीमेंट व्यक्त करने के लिए मेन वर्ब की जगह डू डज डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। यहां पर तो यस था, अब हम देखते हैं नो बोलना है तो कैसा बोला, कैसे बोला जाएगा। एग्जाम्पल, डू यू डांस एवरी डे, क्या तुम रोज डांस करते हो, तो उत्तर दे दिया नो आई डोंट, मतलब आई डोंट डांस एवरी डे, मैं रोज डांस नहीं करता। डिड यू गो टू कॉलेज टूडे, क्या तुम आज कॉलेज गए थे, तो पूरा उत्तर नहीं देना चाह रहा हो, क्या बोल दिया नो आई डिडंट, नो आई डिडंट, मतलब आई डिडंट गो टू कॉलेज टूडे। तो आज हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड का प्रयोग कैसे करते हैं। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा बहुत शीघ्र, तो आप सब देखते रहिए। धन्यवाद।